हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 24 दिसंबर और जो सबसे पहली न्यूज है वो एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। बात करें एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की, तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया है। जो एशियाटिक लॉयन की रेंज है, मतलब वो सारे प्लेसेस जहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाया जाता है हमारी कंट्री में, उन सारे जो स्थान है उनको प्रोटेक्ट, कंजर्व और जो एशियाटिक लॉयन के लिए जरूरी इकोसिस्टम होगा उन सब के कंजर्वेशन की बात की जाती है इस एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उसके द्वारा की जा रही है। और इस जो स्कीम है इसमें 60-40 का रेशियो रहेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% असिस्टेंस और बाकी 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत और भी बातें की गई हैं, जैसे कि जो एशियाटिक लॉयन है पहले पर्सिया से लेके पालामाउ जो टाइगर रेंज थी वहां पे मिलता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हंटिंग और हैबिटेट लॉस होने के कारण अब ये एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच गया है। 2015 में सेंसस हुआ था तो उसमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में गिर जो प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके अलावा गिर सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, मितियाला सेंचुरी, तो इन सारी जगह पर अभी भी ये मिल जाएगा एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जरा मुझे आप ये बताएं कि जो पालामाउ जो आपका सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो इसमें कहाँ पर है मिटियाला, कहाँ पे है और पनिया कहाँ पे है, कमेंट में बताइएगा या फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। थोड़ी सी बात हम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसके बारे में भी कर लेते हैं। ये जो स्कीम है ये 12th जो 5 ईयर प्लान था गवर्नमेंट का उसके साथ में चल रही थी, लेकिन अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया है 2020 तक के लिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अब ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में कई सारी बातें शामिल है, इनका हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इधर पे सिर्फ एक ही चीज पे बात नहीं की जा रही है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा तो इसमें जैसे मैंने बताया टाइगर, एलिफेंट और ऑल ओवर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की गई है। इसमें की जो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब इन तीन बातों के अलावा कि टाइगर का कंजर्वेशन करना है, एलिफेंट का कंजर्वेशन करना है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना है, इसके अलावा जो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब उन एरियाज में जहां पर ह्यूमंस भी रहते हैं और एनिमल का साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनके जो रिलोकेशन किया जाता है, कभी कभी जो पार्क्स रहते हैं वहां पे ट्राइब्स को रिलोकेट किया जाता है, तो वो सारे जो मुद्दे हैं उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी इस सारी इस स्कीम के तहत कवर किए गए हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में जो नीति आयोग है इसने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड ए प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अलावा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशन इन इंडिया, इन सारे लोगों ने मिलकर नीति आयोग के साथ में SDG इंडिया इंडेक्स पब्लिश किया है। देखिए जो SDG के गोल्स हैं तो उनकी हमारी कंट्री में जो वेरियस स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके जो SDG के गोल हैं हमारे कंट्री के जो वेरियस स्टेट यूटीज हैं उनको लेके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनके अचीवमेंट्स हैं, इसको लेके ये रिपोर्ट आई है SDG इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो बात की गई है कि जो केरला, हिमाचल, तमिलनाडु ये जो सारे स्टेट हैं ये बहुत फास्टर रेट से 2030 तक SDG के जो गोल हैं उनकी तरफ अचीव कर लेंगे, अच्छी प्रोग्रेस है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है और पुद्दुचेरी इन्हें फ्रंट रनर बोला गया है और ये स्लोअर रेट से यूपी, बिहार, आसाम ये स्लोअर रेट से काम कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। इसमें एक बात की गई है कि जो तमिलनाडु है उसने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए और अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हासिल करने में अच्छा काम किया है, टॉप स्कोरर है। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है, अफोर्डेबल एनर्जी, पॉवर्टी, इन सारे काम में ये SDG के गोल अचीव करने में अच्छा रहा है। SDG इंडिया इंडेक्स में एक बात ये भी बताई गई है कि जो भी वेरियस स्टेट्स हैं इनकी जब रिपोर्टिंग की गई तो कुछ पर्टिकुलर फील्ड में इनका परफॉर्मेंस जनरली जो एवरेज स्कोर है वेरियस स्टेट का वो कॉमन टाइप का रहा, मतलब इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वर्स्ट परफॉर्म किया है। जैसे कि जो वेरियस स्टेट है वो जेंडर
इक्वेलिटी, इसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरेडिकेटिंग हंगर, ये सारी चीजों में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के बारे में है। बात करें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, डेथ वॉच लिस्ट, जिसमें बात की गई है कि 2018 में वर्ल्ड में ऑल ओवर 78 जर्नलिस्ट जो हैं उनकी किलिंग की गई, उनको मार दिया गया। बात करें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की, तो जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें प्रेस से जुड़े हुए एडिटर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया जो एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका कॉमन विजन होता है उनके लिए, उन सबसे मिलकर ये इंस्टीट्यूट काम करता है, ठीक है। इनकी क्वालिटी, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, ये सारे जो मुद्दे होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनका विजन सेम रहता है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का जो एचक्यू है वो वियना में है। इस रिपोर्ट में बात की गई है कि 2017 में इंडिया और मैक्सिको ऐसी दो कंट्री हैं जहां पर जो सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन के लिए, हुए जो भी केसेस हैं वो सबसे ज्यादा पेंडिंग है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक। इसके बाद जो अगली न्यूज है पोकली पैडी। देखिए जो पोकली पैडी है ये एक, तो देखिए ये एक पैडी की वैरायटी है, और खास बात ये है कि ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट है। इसका मतलब ये है कि जहां पर जो सॉल्ट वाटर रहता है ये उसमें भी ग्रो कर जाती है, और हमारी कंट्री का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कोस्टल जो स्टेट है उनमें जो केरला है वहां के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अलापुजा, अरनाकुलम, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, इन सारी जगह पर इसको ये पैडी की खेती की जाती है, ठीक है। और इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है केरला के लिए, जो पोक्कली पैडी उगाई जाती है ये वहां के लिए एंडेमिक है। बात करें इसकी, जो पोक्कली पैडी है ये नवंबर से, जून से नवंबर के बीच में इसको ग्रो किया जाता है, और इसके बाद में उस पर्टिकुलर जगह पर ही फिश फार्मिंग की जाती है, ठीक है। जून से नवंबर के बीच में पोकली पैडी का इसकी क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है, और फिर इसके बाद इधर पे फिश फार्मिंग की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो पैडी का एस्टबल रहता है, ठीक है, जो बचा हुआ उसका रेसिड्यू रहता है, जो छोटे छोटे फिश होते हैं, श्रिम्प होते हैं, जो कि फिश में ही एक वैरायटी होती है, ठीक है, तो उनके लिए फूड और शेल्टर का काम करता है ये पोकली पैडू पैडी के जो स्टबल रहता है, जो रेसिड्यू रहते हैं, ठीक है। और इस फिश वगैरह जब इसमें ग्रो करती हैं, ठीक है, और इसमें फिश फार्मिंग जब की जाती है, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है कि जो फिश रहती हैं इनका जो एक्सक्रीटा रहता है, ठीक है, तो वो वक्त के साथ डिकम्पोज हो जाता है, और एक तरह से जो नेचुरल मैन्योर है, खाद है, उसकी तरह काम करता है एक आने वाली क्रॉप के लिए। फिलहाल में बात ये भी चल रही है कि जो पोकली पैडी है बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, और धीरे धीरे लेबर अब ज्यादा मिल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें कमी आ रही है लेबर में, तो इसको थर्ड चल रही है, ठीक है। हमने बात करी पोकली पैडी के बारे में। इसके बाद अगली न्यूज स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में है। तो जो डीआईपीपी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसने पहली बार स्टेट्स के लिए स्टार्टअप रैंकिंग जारी किए हैं 2008 के लिए, सॉरी 2018 के लिए। बात करें स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की, तो देखिए जो हमारी कंट्री में वेरियस स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, इन्होंने अपने स्टेट में जो वेरियस स्टार्टअप हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए क्या कुछ किया है, इसके बेस पे ये रैंकिंग जारी की गई है। इसमें कई सारे पैरामीटर्स रखे गए हैं कि वहां पे किस तरीके से उनको इनक्यूबेट किया जा रहा था, सीडिंग इनोवेशन, रेगुलेटरी चेंज चैंपियन, तो जो वेरियस पैरामीटर्स थे किसी भी स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, उसके बेस पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है डीआईपीपी के द्वारा। इसमें बात की गई है कि जो गुजरात है वो बेस्ट परफॉर्मर रहा, इसके बाद कर्नाटका, केरला, उड़ीसा ये टॉप परफॉर्मर रहे, और जो एपी, बिहार, ये जो सारे स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन्होंने एवरेज परफॉर्म किया, इसलिए उनको लीडर के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद जो अगली न्यूज है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में है। देखिए ये स्कीम तो पुरानी है, लेकिन फिलहाल में कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने एक तीन स्टेट लेवल पे एक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2019 में, इसलिए ये कंटेक्स्ट आया हुआ है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। हुआ ऐसा था कि जो 1991 का टाइम था, तो वहां पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 9:45 हुआ करता था हमारी कंट्री में, लेकिन 2001 में 927 और 2011 में ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो गिर के बहुत कम हो गया। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की थी जनवरी में, और इसका मकसद यही है, बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि जो जेंडर इनइक्वेलिटी है,
ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना है या जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ाना है, इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो, वेरियस जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होते हैं उसके द्वारा चाइल्ड सेक्स रेशियो को और ऊपर ले जाने की बात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, इसमें तीन मिनिस्ट्री काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD मतलब वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और आपकी HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में मिलके काम करते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो इनसाइड मिशन के बारे में है। देखो भाई, ये भी जो टॉपिक है ये कंटेक्स्ट पुराना है। मतलब हुआ ऐसा है कि जो इनसाइड मिशन है ये नासा के द्वारा एक अपना मिशन है जो कि मार्स की स्टडी करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, जब से ये पहुंचा है तो वो हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि इसने ऐसा किया, इसने अपने पर खो लिए, इसने ये कर लिया, तो यही सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो बात करें इनसाइट मिशन की, फिलहाल में कंटेक्स्ट ये आया है कि जो US की स्पेस एजेंसी है जिन्होंने अपना जो स्पेस क्राफ्ट है पिछले महीने आपके मार्स पे भेजा था, तो फिलहाल में इसने अपने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये जो क्विक सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, इन पे वर्क करना चालू कर दिया है। ठीक है, इन्होंने परफॉर्म करना चालू कर दिया है। बात करें हम इनसाइट मिशन की, देखिए इसमें आपको ज्यादा पर्टिकुलर नहीं जानना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इनसाइट मिशन है ये किसके लिए है और किसने भेजा है। ठीक है, तो नासा का, US की स्पेस एजेंसी का ये मिशन है और ये जो हमारा मार्स प्लानेट है उसकी स्टडी करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, इनसाइट इज ए पार्ट ऑफ नासा डिस्कवरी प्रोग्राम, फर्स्ट पहला ऐसा मिशन है जो कि मार्स की सरफेस पे जाकर और ज्यादा उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करेगा। इसके अलावा जो मार्स क्यूज है, मार्स क्यूज मतलब जिस तरह से अर्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, इसी तरह से मार्स की जो सरफेस है वहां पर उथल पुथल होता है, जो हीट आउटपुट है, इन सारी चीजों की स्टडी की जाएगी इनसाइट मिशन के द्वारा। इसके बाद जो अगली न्यूज है, बुद्धिस्ट साइट म्यूजियम एट ललितगिरी इन उड़ीसा। ठीक है, तो ये कुछ वहां पे रिमेन्स वगैरह हैं, इनके बारे में बात की गई है। बात करें ललितगिरी की, ठीक है, तो जो ललितगिरी है ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि उड़ीसा स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्तूपास, इसोटेरिक बुद्धा इमेजेस और मोनेस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको ललितगिरी के बारे में, ये कहा मैंने कि जो ललितगिरी है ये एक बुद्धिस्ट साइट है, एक कॉम्प्लेक्स है। इधर पे कई सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कई सारे स्तूप मिल जाएंगे, बिहार मिल जाएंगे। इसके अलावा इसोटेरिक कुछ बुद्धा की इमेज, ठीक है, इसोटेरिक मतलब एक ऐसी इमेज मतलब जो बहुत थोड़े से लोगों को समझ में आए, बहुत स्पेशल टाइप के जो इमेज होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, गुप्त टाइप के होते हैं, जिसको हर किसी को नहीं समझ में आता, ऐसे इमेजेस इसोटेरिक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिमेन्स वगैरह हैं ये वहां पे मिले हुए हैं। ठीक है, और रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ये जो तीनों साइट्स हैं, ठीक है, तो इनको डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ललितगिरी है ये उड़ीसा में प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी फिर इसमें बातें दी गई हैं कि हाँ, ध्यान रखिएगा जो ललितगिरी है यहाँ पे जो तांत्रिक बुद्धिज्म था वो प्रीच किया जाता था, वो प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा फिर इसमें बातें दी गई हैं कि वहां पे क्या कुछ मिला है, जैसे कि वहां पे मिला है कि जो ललितगिरी है उस पर्टिकुलर जगह पर जो चार मठ थे उनके कुछ रिमेन्स मिले हुए हैं। ऐसा बताया गया है कि मौर्यन टाइम से 13 सेंचुरी CE तक इधर पे जो बुद्धिज्म थी वो कंटिन्यू में थी। ठीक है, इसके अलावा जो महास्तूपा है वहां पर भी कुछ रिमेन्स वगैरह मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा ललितगिरी के बारे में, तो ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करा सकती है UPSC कि ये जो ललितगिरी साइट है ये किस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो बोरोअर्स हैं और जो बिल्कुल डिफॉल्टर्स होंगे उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक बड़ा डिजिटल लेवल पर डाटाबेस बनाया जा रहा है जिसको पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बोला जा रहा है। तो इसको तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो 6 मेजर IT कंपनीज हैं उनको नॉमिनेट किया है, उनको शॉर्टलिस्ट किया है, TCS है, विप्रो है, IBM है। इस तरह से बात करें पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की, तो जैसा मैंने बताया ये एक एक्सटेंसिव डाटाबेस है जिसमें जो बोरोअर्स हैं उनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन तैयार की जाएगी। ठीक है, और जो भी वेरियस स्टेक होल्डर्स होंगे ये उनके लिए एक्सेसिबल रहेगी, यहाँ पे वो जानकारी ले सकते हैं। ये जो पूरी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का जो तैयार करने का आइडिया है, इसमें जैसा मैंने बताया कि पूरी पूरी जो डाटाबेस है तैयार किया जाएगा और
जो भी क्रेडिट से जुड़ी हुई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बोरोवर का जो पूरा इंटायर सेट है, उसने पहले कहाँ से लेंडिंग की है, क्या क्या गिरवी रखा हुआ है, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, पेपर्स हैं, वो सारी जानकारी उससे जुड़ी हुई, ठीक है, जो भी उसने उधारी की है, बोरोइंग की है, वो सारी जानकारी इस रजिस्ट्री में हासिल हो जाएगी, जिसे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बोला जा रहा है। इसके अलावा ये जो पीसीआर है, इसमें जो मार्केट के रेगुलेटर हैं, जैसे कि आपका सेबी है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, इसके अलावा जो बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो ये लोग भी ये जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है, ये भी अपना डाटा शेयर करेंगे, और इस तरह से कोई भी जो पर्टिकुलर बैंक्स रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेंगे, ठीक है, उनको एक कोई भी क्रेडिटर है, बोरोवर है, तो उसकी 360 डिग्री प्रोफाइल मिल जाएगा, उसका पूरी पिक्चर पता चल जाएगी कि फिलहाल में इस आदमी की क्या कंडीशन है, इसने कितना लेन देन किया हुआ है। बात करें पीसीआर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के मैनेजमेंट की, तो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जनरली उसके द्वारा मैनेज की जाती है। इसके अलावा ये बैंकिंग सुपरवाइजर भी पीसीआर का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और जो पीसीआर के तहत जो लेंडर्स हैं और जो बोरोवर्स हैं, ये उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपनी जो लोन देने की डिटेल्स हैं वो पीसीआर पे अवेलेबल कराएं। इससे फायदा क्या होता है, बात करें पीसीआर से होने वाले फायदा की, तो देखिए इतनी सारी बात कर ली, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है, कि कोई भी जो पर्सन है, उसके बारे में उसकी जो टोटल क्रेडिट असेसमेंट है, ठीक है, या उसको जो भी क्रेडिट दिया गया है, अब वो रिस्क बेस्ड हो गया है, तो उसकी काउंटर साइक्लिक साइक्लिकल प्रोविजनिंग जो होगी उसको किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसको जो पैसा दिया गया है, उसको फिर से वापस लेने के प्रोविजन और अच्छे तरीके से बैंक के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक है, वो भी अपनी जो पॉलिसी बनाता है, तो जो पीसीआर है, उसको जो फाइल है, उसकी जो शीट है, उसको देख के एक समझ पाएगा कि भाई जो मेरी मॉनिटरी पॉलिसी है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं है, या कहाँ पे रुकावटें चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेरियस सुपरवाइजर रेगुलेटर्स हैं बैंक के हैं, ठीक है, तो ये भी अपने जो क्रेडिट्स हैं जो कि स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, तो उसके लिए और अच्छे इफेक्टिव इंटरवेंशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी पीसीआर के लिए, ये जो टास्क फोर्स थी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे YM देवस्थली, ध्यान रखिएगा। चलिए ये खत्म हो गया, तो देख लेते हैं आज हमने शुरू से क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो आपका एशियाटिक लॉयन है, इसके कंजर्वेशन के लिए ये स्कीम लाई गई है, और इसमें फिर ये डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट 60-40 की इसमें शेयरिंग हो रही है, और इसमें जो टाइगर है उसका कंजर्वेशन किया जाएगा, प्रोटेक्शन किया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए जरूरी इकोसिस्टम है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद हमने IDWH इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की भी बात की, जिसमें मैंने बताया कि ये जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का डेवलपमेंट है, तो इसमें आपका टाइगर एलिफेंट, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के डेवलपमेंट की बात की जाती है। SDG इंडिया इंडेक्स की बात की, जिसमें मैंने बताया नीति आयोग ने कई सारी जो मिनिस्ट्री है, बॉडी है, इनके साथ मिलकर ये इंडेक्स जारी किया है कि हमारी कंट्री में जो वेरियस स्टेट यूटी हैं, उन्होंने SDG को अचीव करने में कैसा काम किया है, और तमिलनाडु इसमें टॉपर रहा है एरेडिकेटिंग पॉवर्टी और क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी के मामले में। इसके बाद हमने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की बात की थी, इसकी डेथ वॉच लिस्ट आई, इसमें इन लोगों ने बताया कि कई सारे लोगों की जान जा रही है, और इंडिया और मैक्सिको ऐसे दो कंट्रीज हैं जहाँ पे कई सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग स्टेट में है। इसके बाद हमने ये पेडी क्रॉप की बात की, मैंने बोला कि ये साल्ट वाटर टॉलरेंट होती है, और इसमें जनवरी सॉरी जून से नवंबर के बीच में इसमें ये पेडी की खेती की जाती है, और बाकी फिर इसमें फिश की फार्मिंग की जाती है, और जो फिशिंग का जो एक्सक्रीटा होता है वो एक जो फर्दर सीजन होगा, आने वाला जो सीजन होगा पेडी के लिए, तो उसके लिए खाद की तरह काम करता है, मेन्योर की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की बात की, ठीक है, और फिर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, मैंने बोला था कि जो हमारी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा था, इसलिए इसको तैयार किया गया था। इसमें तीन मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ WCD, हेल्थ फैमिली वेलफेयर, HRD, ठीक है, जो वीमन थी, महिलाएं थी, ठीक है, तो बेटियों को बचाना था, बेटियों को पढ़ाना था। इनसाइड मिशन की बात की, मैंने कहा कि ये नासा का मिशन था और आपके मार्स की स्टडी करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। उड़ीसा में हमने ललित गिरी जगह की बात की कि वहां पे कई सारी जो साइट हैं वो मिली हैं जो कि बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में बात की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। दोस्तों मैंने एक
क्वेश्चन किया था कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है कहाँ कहाँ पे है, पालामऊ, पालामऊ टाइगर जो पालामऊ है ये आपका कहाँ पे मिलेगा, झारखंड में, ठीक है। और पनिया और मिटियाला ये जो सेंचुरी है, ठीक है, ये आपके गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।